हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेदांती व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज है आटी अमावस्या, जो कर्नाटका के काफ़ी जगहों में मनाया जाता है। इस दिन बनाया जाता है मेतेदा गंजी, जो काफ़ी पौष्टिक होता है। ऐसा कहते हैं आज इसे खाने से नेक्स्ट आटी तक कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आता। तो चलिए बनाते हैं मेतेदा गंजी। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक चम्मच मेथी लिया था और इसे मैंने पानी में भिगो कर रखा है रात भर। और मैंने लिया है आधा कप बासमती राइस। आप कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैंने धोकर साफ करके रखा है। अब एक बर्तन में मैंने लिया है 4 कप जितना पानी। इसमें मैं डालूंगी राइस और मेथी। अब इन दोनों को हमें अच्छे से पकाना है। इसे ढक के हम पकाएंगे। पहले गैस का फ्लेम एकदम तेज़ रखें। बाद में अगर उसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद आप गैस धीमा कर दें। ये देखिए, चावल और मेथी अच्छे से पक गया है। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी नारियल का दूध। ये तकरीबन 1 बड़ा कप है। और इसमें डालेंगे गुड़। और अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। इसे और अब हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे धीमे आंच पे। आप देखेंगे धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। बीच बीच में चम्मच से मिलाते रहें। मेतेदा गंजी जो है वो अब रेडी हो गया है। अब गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। आप देखेंगे ये हल्का सा गाढ़ा होने लगेगा धीरे धीरे। ये देखिए, अब इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में आप इसे सर्व करें। गर्मा गर्म ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। कुछ लोग मेथी को पीसकर भी बनाते हैं, बट उससे कड़वा स्वाद ज़्यादा आता है। आप ऐसे मेथी जो है वो भिगोकर डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। अब इसमें हम सर्व करने से पहले डालेंगे 1 चम्मच घी। ऊपर से घी को ऐसे डाल दें और गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। अगर वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।